हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टुडे टॉपिक इज मॉडल वर्ब्स। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी हम पढ़ रहे थे मॉडल वर्ब्स के बारे में, और बहुत सारी मॉडल वर्ब्स जो थी वो हमने डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब वुड के बारे में, कि वुड का यूज़ कहाँ पे होता है, किस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है। ठीक है, तो आज हम वुड का यूज़ पढ़ेंगे। वैसे तो वुड आपका किसका पास्ट है? विल का पास्ट है। ठीक है, वुड आपका पास्ट टेंस है किसका? वुड, विल का। ठीक है, तो विल का ऐसे हम देखे जाए जैसे कैन का वुड होता है, विल का वुड होता है, लेकिन हम वुड को अलग तरीके से भी यूज करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे। तो बहुत जगह हम वुड को प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, ना कि पास्ट में ही यूज करते हैं। जैसे आप हैबिट के लिए वुड को यूज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में भी इसका यूज होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो जब पढ़ेंगे तभी मैं आपको बताऊंगी कि इनडायरेक्ट का डायरेक्ट कैसे बनता है और डायरेक्ट का इनडायरेक्ट कैसे बनता है। तो आज हम इसका सिंपल यूज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हैबिट के बारे में बताएंगे कि वुड क्या एक्सप्रेस करता है। हैबिचुअल एक्टिविटी। ठीक है, हैबिचुअल एक्टिविटी इन पास्ट। वुड हमारा किसके लिए करता है? हैबिचुअल एक्टिविटी पास्ट में, पास्ट के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर में, ठीक है, जैसे आई वुड गो फॉर अ स्विम इन द लेक। मैं लेक में कहाँ किस लिए जाऊंगा? स्विम करने के लिए। ठीक है, और शी वुड सिट फॉर आवर्स ऑन द बैंक ऑफ। वो यहां पे कब से बैठी है? जैसे मैं बोलूं शी वुड सिट देयर फॉर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एन आवर, जैसे भी। ठीक है, फॉर एन और, ठीक है, तो शी वुड सिट देयर फॉर एन और, वो 1 घंटे से वहां पे क्या हुई है, बैठी है। तो वो क्या, मैं आप क्या बोल रही हूँ, जैसे वुड का आप यूज करते हैं इस तरीके से हैबिट के लिए भी। जैसे मैं बोल रही हूँ शी वुड, आई वुड गो फॉर स्विम इन द लेक। मैं लेक में किस लिए गया था? वुड मतलब स्विम करने के लिए। ठीक है, आई वुड गो फॉर स्विम इन द लेक। मैं लेक में किस लिए गया था? स्विम करने के लिए। तो शी वुड, वो वहां पे बैठी थी 1 घंटे से ही वो वहां पे क्या थी, बैठी थी। तो हम यहाँ पे हैबिट का यूज कर रहे हैं कि वो गया था, ऐसे कर रहा था। तो ये सब क्या है, आपकी एक हैबिट शो कर रही है कि हाँ आप जा रहे हैं, जैसे भी है। और ये वुड को एक्सप्रेस कर रहा है आपकी किस तरह से आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं पास्ट में। अब हम नेक्स्ट में वुड को डिस्कस करेंगे रिक्वेस्ट के लिए। ये आपका हो गया आपके हैबिचुअल एक्शन के लिए। आप रिक्वेस्ट के लिए भी वुड का यूज करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि आप कैन का भी, कैन बोल रहे हो, मे का भी यूज करते हैं, कई बार आप कुड का भी यूज करते हैं, आप विल का भी यूज करते हैं, लेकिन वुड जो है वो बहुत ही पोलाइट है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, यूज्ड फॉर, वुड जो है वो यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड जो है वो आपका पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे वुड यू पास मी बुक दी प्लीज, जैसे हम बोलेंगे क्या तुम मुझे ये बुक पास करोगे, मतलब मुझे ये बुक वो बुक दोगे। जैसे वुड यू ओपन द विंडो, क्या तुम विंडो को ओपन करोगे। तो दिस इज द रिक्वेस्ट, कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम ऐसा करोगे। कैन यू डू मतलब वुड यू डू दिस, क्या तुम ऐसा करोगे। तो ये हमारी एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। अगर तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि कैन यू डू इट, तुम ये कर सकते हो,
तो ये तो एक ऐसे चैलेंज वाली बात हो जाती है किसी को, मतलब हम पोलाइट रिक्वेस्ट से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब हम किसी से पोलाइटली बोलते हैं तो वो आगे वाला जो इंसान है वो काम कर देते हैं हमारा, ठीक है। तो इसलिए बुट जो है वो फॉर मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम इसका विश के लिए, वुड जो है वो आपका विश के लिए भी यूज होता है, ठीक है। विश के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं विश के लिए। जैसे मैं बोलूं आई विश, बोलूं आई विश इट, सॉरी आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, मैं विश करती हूं कि बारिश क्या हो जाए, रुक जाए, ठीक है। तो आई विश, ये विश हो रही है ना आपकी, आप तो ऐसे बोल नहीं सकते कि बारिश रुक जाए मेरे कहने पे, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये आपकी विश है। आप क्या कर रहे हो, आप एक विश कर रहे हो, एक मतलब गॉड से प्रेयर कर रहे हो कि ऐसा हो जाए जैसा मैं कह रही हूँ कि बारिश जो है वो रुक जाए। कई बार ऐसा होता है हमें कहीं जाना होता है, बारिश होना शुरू हो जाए तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गॉड से, प्लीज गॉड बारिश रुक जाए, हमें वहां जाना है। तो ये क्या है हमारी सबकी, हम अपनी एक विश शो करते हैं कि जैसे कि हम वुड का यूज करते हैं आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, कि बारिश जो है वो रुक जाए, ठीक है। तो ये हम विश के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, आप बुड का यूज करते हैं। देन इंटेंशन शो करने के लिए, आप एक्सप्रेस करती है आपकी इंटेंशन का, ठीक है। इंटेंशन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। जैसे ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, वो कह रहा है कि वो क्या कह रहा है मुझे, कि उसने मुझे कहा था कि वो मेरी क्या करेगा, हेल्प करेगा। जहाँ आप कुछ भी बोल सकते हैं, ही सेड दैट ही वुड गिव मी अ पेन, वो मुझे एक पेन देगा। जहाँ ही सेड ही वुड इन्वाइट मी ऑन हिज बर्थडे, कि वो मुझे अपने बर्थडे पे इनवाइट करेगा। तो ये सब क्या है, ये आपकी इंटेंशन है, आप एक इंटेंशन शो कर रहे हैं कि वो कह रहा था कि वो ऐसा करेगा, ठीक है। तो ये एक इंटेंशन है, जबकि उसने मुझे कहा था कि वो मेरी हेल्प करेगा, तो हम बोलते हैं ना ये हमारी इंटेंशन है कि वो हाँ हमारी हेल्प करेगा। तो ये सब क्या है आपका, वुड के यूज के लिए भी हम यहाँ पे वो करते हैं, करेगा मतलब फ्यूचर में अभी करेगा। देखिए आप फ्यूचर के लिए भी वुड का यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट के लिए भी, और आप पास्ट के लिए भी हैबिट शो करने के लिए आप वुड का यूज करते हैं। देन लास्ट जो है इसका, दैट इज द कंडीशन के लिए, अनरियल कंडीशन, जो नहीं मतलब कभी नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अनरियल कंडीशन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। जैसे वो कहता है इफ यू वर रिच, इफ यू वर रिच, अगर तुम रिच होते, मतलब अगर तुम रिच अमीर होते तो यू वुड बाय ए कार, तुम एक क्या खरीद लेते, एक कार खरीद लेते। तो ये अनरियल कंडीशन है, इसका मतलब वो रिच नहीं है। हम एक रियल कंडीशन नहीं बता रहे, हम अनरियल कर रहे हैं, जैसा अभी नहीं है हम उसको मेंशन कर रहे हैं कि अगर तुम क्या होते, अगर तुम रिच होते, इट मीन्स वो अभी रिच नहीं है, अगर तुम रिच होते तो तुम ये कार खरीद लेते, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका, एक अनरियल कंडीशन हम शो करते हैं। जैसे मैं बोलूं इफ यू मतलब अगर मैं बोलूं इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम हार्ड वर्क करते तो देन यू वुड सिक्योर गुड मार्क्स, तो तुम अच्छे मार्क्स स्क्वायर करते। तो ये सब क्या है हमारी अनरियल कंडीशन है, इट मीन्स उसने अच्छी मेहनत नहीं की थी इसलिए अभी वो फेल हो गया, जब कम मार्क्स आया तो हम अभी उसको बोल रहे हैं इफ यू वर लाइक दिस, अगर तुम उस तरह से होते तो तुम ये काम कर पाते। तो दिस इज द यूज ऑफ द वुड। तो सो गाइज, ये आपका यूज है वुड का, जो हम पास्ट में करते हैं, और उसके बाद हम हैबिट की शो करने के लिए भी पास्ट की यूज करते हैं, विश के लिए यूज करते हैं, देन आपका इंटेंशन शो करने
करने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, उसके बाद हम विश के लिए, उसके बाद अनरियल कंडीशंस के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। और डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट स्पीच में है उसको, वहां भी वुड का यूज आता है। वो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम उसको चेंज करते हैं, और फिर उसका जैसे विल का वुड हो जाता है इनडायरेक्ट में जाके, वो इस तरीके से यूज होता है। वो जब टेंस पढ़े थे तो हम उसमें जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो उसके चेंजेस पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनडायरेक्ट में आके वो वुड बन जाता है। तो गाइस, दिस इज द यूज ऑफ द वुड एंड दिस इज द मॉडल वर्ब दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। तो सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel.